हेलो फ्रेंड्स, आईटी सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये फुली जेन्युइन वीडियो है और ये सारा ट्रिक जेन्युइन है। ये इसमें कोई भी फेक ट्रिक नहीं है और ये पूरा सक्सेसफुल ट्रिक है। तो प्लीज इसे पूरा ही वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ये कैसे करना है। ये बहुत ही ईजी है और इसमें ज़्यादा आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है और ना ही ज़्यादा इस पर पैसा लगाना है। बस आपको ओनली इसमें 2 रुपये खर्चा करना होगा और आपको जो स्पीड यहाँ पे मिलेगा, मतलब कि आप उतना सोच नहीं सकते हैं जितना आपको स्पीड मिलेगा। तो इस वीडियो को देखिए और पूरा वीडियो देखिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको आगे भी ऐसे ऐसे वीडियो आपको शेयर कर सके। यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं या आप यहां से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं यह ऐप से। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो कोई भी हम लेटेस्ट वीडियो डालेंगे, कोई भी ट्रिक्स डालेंगे तो आपको इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपको लेटेस्ट अपडेट दे सकें। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है कि एक वेबसाइट ओपन करना है, portal.azure.com। ये जो साइट है ये माइक्रोसॉफ्ट का वेबसाइट है। ये माइक्रोसॉफ्ट तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट का सारा विंडोज़ आता है। तो इस वेबसाइट पे पहले करना क्या है, आपको एक रजिस्टर करना पड़ेगा अपना ईमेल एड्रेस। तो प्रोसेस देखते जाइए करना क्या है आपको। ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही यूजफुल ट्रिक्स है, तो मैं आगे बताने जा रहा हूँ। मैं यहाँ रजिस्टर कर रहा हूँ अपने ईमेल आईडी से, डालता हूँ अपना ईमेल आईडी। मैंने अपना ईमेल आईडी डाला लेकिन यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि ये ईमेल आईडी मेरे सिस्टम में नहीं है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप गेट ए न्यू माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, यहाँ पे आप क्लिक करके एक अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके बना सकते हैं। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस @hotmail.com, जो भी आपको ईमेल एड्रेस बनाना होगा वो डाल के यहाँ पे @hotmail.com सिलेक्ट करना होगा और नीचे पासवर्ड डालते हैं। यहाँ से टिक हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेव कर देते हैं और यहाँ पे अपना कंट्री सिलेक्ट करना है। से कंट्री आपका तो इंडिया, और यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है वो डालना है ताकि वेरिफिकेशन हो सके। सेंड कोड पे क्लिक कर देना है और आपके पास एक मैसेज आएगा, OTP आएगा, मैसेज आ गया और यहाँ पे डाल के वेरीफाई करना है। नेक्स्ट, ये जो आपको सर्वर मिलेगा ये आपको एकदम फ्री में मिलेगा, फ्री ट्रायल बेसिस पे आपको मिलेगा, लेकिन आप इसे यूज कर सकते हैं। और ये बहुत ही हाई स्पीड का ये इंटरनेट होता है। तो आपको करना क्या है, ये इसका इंटरफेस खुल गया, लॉगिन हो गया मेरा अकाउंट। तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है न्यू का जो बटन है उस पर मैं क्लिक करूँगा। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ लिस्ट मिलेगा, लेकिन आपको इसमें सेलेक्ट करना है कंप्यूट पे, जो ऊपर आपको यहाँ पे सबसे ऊपर है कंप्यूट, इसे आपको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कंप्यूट पे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सारा विंडोज, जितने भी विंडोज है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है, विंडोज सर्वर 2012 और 2016। तो मैं 2016 को सिलेक्ट करता हूँ। 2016 सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको क्रिएट का ऑप्शन आएगा, क्रिएट कर देना है। जब यहाँ पे मैं सिलेक्ट किया तो यहाँ पे साइन अप फॉर न्यू सब्सक्रिप्शन पे मैसेज आ गया, साइन अप कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे ऊपर में जो फ्री ट्रायल है मैं वो सिलेक्ट करूँगा, फुल एक्सेस टू ऑल सर्विसेज। तो आप इसे फ्री ट्रायल में सिलेक्ट कर सकते हैं
और ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना होगा, इंडिया सारा डिटेल आपको डालना है, और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना है जिसपे आपको वेरिफिकेशन आएगा, ओटीपी, नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको अपना कंट्री सिलेक्ट करना है, इंडिया, और जो आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे दो ऑप्शन है, सेंड टेक्स्ट मैसेज और कॉल मी। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज सेंड करके वेरीफाई करता हूँ। मैसेज आ गया और मैं यहाँ पे डाल के वेरीफाई कर लेता हूँ, और ये वेरीफाई हो गया, और यहाँ पे सामने आ गया क्रेडिट कार्ड का सारा इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है। लेकिन यहाँ पे आप घबराइए मत कि आपको यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन भरना होगा, इसका भी एक सॉल्यूशन है। आप ये क्रेडिट कार्ड इसलिए ले रहा है कि अगर आप ट्रायल वर्जन आप यूज कर लेते हैं, तो ये जब ट्रायल वर्जन यूज हो जाएगा तो क्रेडिट कार्ड से अपना पैसा ले लेगा। लेकिन आपको ये पहले बताएगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तभी वो पैसा लेगा। लेकिन इसका सोल्यूशन है, अगर वर्चुअल कार्ड में वर्चुअल क्रेडिट कार्ड जनरेट कर लेता हूँ तो वो भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो मैं वर्चुअल कार्ड जनरेट करता हूँ अपने अकाउंट का, वरनी ये 2 रुपया मतलब कि काटेगा, वरनी यहाँ पे आपको 2 रुपया पे करना होगा, वरनी ये वेरीफाई करेगा कि आपका क्रेडिट कार्ड एक्टिव है। यहाँ पे आप डाल सकते हैं, और सारे बैंक में ऑप्शन होता है कि वर्चुअल क्रेडिट कार्ड का जनरेट करने का ऑप्शन होता है, तो मैं अभी अपने बैंक HDFC से जनरेट करूँगा एक वर्चुअल कार्ड। HDFC का जो वर्चुअल कार्ड जनरेट करने का जो वेबसाइट है मैं ओपन कर रहा हूँ, नेट सेफ HDFC। सारे बैंक में वर्चुअल कार्ड जनरेट करने का ऑप्शन होता है, और मैं यहाँ पे अगर आपके ऑलरेडी आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप रजिस्टर भी कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू रजिस्टर, न्यू यूज़र है, मैं ऑलरेडी रजिस्टर हूँ तो मैं यहाँ पे अपना लॉगिन करता हूँ। अब यहाँ से मैं अपना वर्चुअल कार्ड जनरेट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे जितने रुपए का वर्चुअल कार्ड जनरेट करूँगा उतने रुपए का मैं यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये वेरीफाई करने के लिए ओनली 2 रुपये का पेमेंट लेगा, ताकि वो वेरीफाई कर सके कि आपका कार्ड जो है एक्टिव है। तो मैं यहाँ पे ओनली 2 रुपया डालूँगा, और 2 रुपये डाल के मैं यहाँ से जनरेट करूँगा गो पे क्लिक करके। ये मोबाइल पे वेरिफिकेशन कोड आएगा, जो मेरे नेट बैंकिंग का मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पे मैं अपना वेरिफिकेशन कोड डाल देता हूँ, और यहाँ पे वर्चुअल कार्ड जनरेट हो गए। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे डेबिट कार्ड का नंबर होता है, CVV नंबर होता है, एक्सपायरी डेट होता है, और इस यहाँ पे सबसे नीचे आप देख रहे हैं कि कार्ड लिमिट भी है। कार्ड लिमिट यहाँ पे है, ओनली 2 रुपये का है ये कार्ड। तो मैं ये इसका सारा डिटेल वहाँ पे डाल देता हूँ और प्रोसेस आगे बढ़ाता हूँ। कॉपी कर लिया, ठीक है। सारा डिटेल डालने के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। ये जो सर्वर है आप कोई भी इंटरनेट पे यूज कर सकते हैं, और आपका बहुत ही फास्ट प्रोसेस होगा इस सर्वर पे। और यहाँ पे मैं आगे OTP सिलेक्ट करके करता हूँ, यहाँ पर टोटल चार्ज आपको दिख रहा होगा 2 रुपये कटा है। अब यहाँ से मैं न्यू करूँगा, वो पहले नहीं ले रहा था, अब सक्सेसफुल हो जाने के बाद। अब यहाँ पे देखिए, मुझे क्रेडिट मिला है 13,300 रुपये का, ये क्रेडिट मिला है, ये जो कि ट्रायल बेसिस पे आपको मिलता है।
पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे 2016 सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे क्रिएट, और यहाँ पे आपको सारे डिटेल डालना है यहाँ पे, जैसे कि आप जैसे कभी अपने विंडोज को अगर फॉर्मेट मारते हैं तो जैसे आप सारा डिटेल डालते हैं, नेम सारा यूजर नेम जैसे डालते हैं वैसे ही सारा कुछ डालना है, कुछ ज़्यादा यहाँ पे नहीं करना। जैसे मैं डालता हूँ ये सर्वर सर्वर वन, इसको छोड़ देता हूँ, यूजर नेम भी सर्वर वन, पासवर्ड जो आपको रखना है यहाँ पे फ्री ट्रायल ही सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे भी मैं सर्वर वर्ड डाल देता हूँ, और लोकेशन कहाँ का चाहिए आपको वहाँ का आपको सर्वर बना देगा ये। यहाँ पे कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं कोई भी लोकेशन का, और ओके क्लिक कर दीजिए। इस सर्वर को आप किसी भी स्पीड पे यूज कर सकते हैं, और जहाँ पे आप 1 Mbps यूज करते थे यहाँ पे आपको 500 Mbps के राउंड आपको स्पीड मिलेगा, बहुत ही हाई स्पीड। और यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सिलेक्ट करके मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। जितना हाई यूज ये सिलेक्ट कीजिएगा आपका जो ये आपको जो क्रेडिट बैलेंस दिया है वो उतना जल्दी ही खत्म होगा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना यूज करते हैं इस सर्वर को, और जितना यूज करना है बस यूज कीजिए, उसके बाद इसे शट डाउन कर दीजिए। ठीक है, सारा कुछ कुछ करना नहीं है इसमें, और मैं यहाँ पे बस ओके कर देता हूँ। ये फाइनली ये हो रहा है, फाइनल वैलिडेशन हो रहा है और वैलिडेशन पास हो गया। ओके ओके पे क्लिक करता हूँ। अब ये आपका एक सेटअप बन गया, आपका एक वर्चुअल पीसी आपका एक जनरेट हो गया जो हाई स्पीड में आपका काम करेगा, बहुत ही हाई स्पीड में काम करेगा। तो मैं चेक कर सकता हूँ कितना हाई स्पीड है इसका, पहले मैं अपना स्पीड चेक करता हूँ कितना मेरा हाई स्पीड है। स्पीड मैं अपना देख लेता हूँ, ये जो मेरा स्पीड है 4.8 Mbps का स्पीड है, अभी जो मेरा स्पीड है फोर ओनली 4.8 Mbps, ये मेरा जियो का ये नेट लगा हुआ है, अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको जियो का नेट है, और मैंने जो अभी सर्वर बनाया है मैं उस पर अब चेक कर रहा हूँ कि कितना स्पीड मुझे मिल रहा है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, सारा क्रिएट हो गया था, तो यहाँ पे ऑल रिसोर्स, ये ऑल रिसोर्सेज जो यहाँ पे राइट लेफ्ट में है मैं इस पर क्लिक करूँगा, ऑल रिसोर्सेज, और यहाँ पे जो मैंने सर्वर बनाया था सर्वर वन वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। ये वर्चुअल मशीन है, एक पीसी आपको मिलता है जो आप यूज कर सकते हैं हाई स्पीड उस पर, और मैं इसे कनेक्ट करता हूँ। तो जब भी आप कनेक्ट कीजिएगा तो ध्यान रहे कि अगर आपको जितना यूज करना है उतना ही यूज कीजिए, उसके बाद इसे स्टॉप कर दीजिए, नहीं तो ये आपका दिन भर चलता रहेगा रात भर चलता रहेगा। जब तक आप इसे स्टॉप नहीं कीजिएगा तब तक ये चलता रहेगा, और आपका जो टाइमिंग है वो फिनिश हो जाएगा, आपको जो ट्रायल में आपको जितना पैसा मिला है उसका सारा वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो मैं इसे कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट करने के बाद क्या होगा कि ये डाउनलोड होता है एक फाइल, लेकिन फाइल डाउनलोड नहीं हुआ, यहाँ पे एक एरर आया है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एरर आया है यहाँ पे। तो क्या एरर है मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे पॉपअप का यहाँ पे ऑलवेज पे क्लिक करके डन कर देना है, और फिर मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे एक डाउनलोड हो गया, सर्वर का एक फाइल डाउनलोड हो गया। तो जब मैं इसे ओपन करूँगा तो यहाँ पे कनेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, कनेक्ट करता हूँ मैं, और जो मैंने यूजर नेम डाला था जब मैं क्रिएट कर रहा था सारा डिटेल, तो जो यूजर नेम था मैं वो डालूंगा, जो मेरा था मैं अपना डाल रहा हूँ, और जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डालना है।
और मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। ये आपका जो क्रिएट हो गया, ये आपका सर्वर पीसी है। ये इसका स्पीड बहुत ही हाई स्पीड है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका दूसरा पीसी मिल गया, मैं इसे ये कर लेता हूँ। इसका जो विंडोज़ का साइज है छोटा कर लेता हूँ, और इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, मतलब आपको सारा कुछ डालना होगा। जैसे आप अपने पीसी को फॉर्मेट करते हैं तो वैसे ही यहाँ पे आपको सारा कुछ डालना होगा। इसे क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ नहीं है, सारा प्रोग्राम आपको खुद से डालना होगा। तो इसमें क्रोम इंस्टॉल नहीं है, तो मैं अभी क्रोम इंस्टॉल करूँगा। तो क्रोम इंस्टॉल करने के लिए मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करता हूँ। यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करूँगा, तो यहाँ से क्रोम में कैसे इंस्टॉल करूँ, तो मैं क्रोम का एक लिंक डायरेक्ट, मैं लिंक यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, डाउनलोड होने लगेगा। क्रोम का डायरेक्ट लिंक मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, wbitsolutions.com पे डायरेक्ट क्रोम का सेटअप यहाँ से मिल जाएगा मुझे। और यहाँ पे क्रोम, गूगल क्रोम, क्रोम ऑफलाइन, मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ लिंक, राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस, और मैं यहाँ पे अपना सर्वर ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो भी इंटर, और यहाँ पे ऐसा मैसेज आएगा, ओके कर देना है, ओके ऐड कर लेना है, ऐड क्लोज, फिर पेस्ट करना है, फिर इंटर दबाना है, और यहाँ पे आपको सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा नीचे। मैं इसे सेव कर लेता हूँ, देखिए कितने देर में ये डाउनलोड हो गया। और यहाँ पे ओनली आपको 10 सेकेंड मैक्सिमम लगा होगा डाउनलोड होने में, 10 सेकेंड में आपका फाइल डाउनलोड हो गया। ये 44 MB का फाइल है, तो आपको यहाँ पता चल जाएगा, पता चल गया होगा कि ये कितना स्पीड में चल रहा है। और ये आपका इस गूगल क्रोम इंस्टॉल हो गया, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि स्पीड आखिर वाकई क्या स्पीड है इसका। तो मैं यहाँ पे स्पीड टेस्ट .net यहाँ से आपको ओपन करता हूँ। तो ये ध्यान में हमेशा ये बात रखिएगा कि आपको जितना यूज हो उतना ही कीजिएगा, बिना मतलब कि आप डाउनलोड मत कीजिएगा या बिना मतलब का इसे ऑन छोड़ के मत रखिएगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ये चलता रहेगा। तो आपका जो सब्सक्रिप्शन के लिए जो आपको ट्रायल में मिला हुआ है वो पैसा खत्म होता रहेगा धीरे धीरे, इसलिए आपको उसी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे चलना है आपको। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे बिगिन टेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे आप स्पीड देख लीजिए कितना स्पीड आपको मिल रहा है। सिक्स फाइव, यहाँ पे देख लीजिए 600, 650 MBPS, यहाँ पे आप स्पीड देख लीजिए। ओह माय गॉड, इतना हाई स्पीड आपको मिल रहा है। मेरा जो स्पीड है मेरे इंटरनेट का ओनली 4 MBPS है, और ये आपको स्पीड मिल रहा है 668 MBPS, और अपलोड का 596 MBPS। व्हाट ए स्पीड, मतलब कि सुपर क्लास का स्पीड आपको मिल रहा है। तो ये जो टेक्निक है बहुत ही फायदे वाली टेक्निक है, और इसे आप यूज कीजिए और
ये बहुत ही यूजफुल है, और यहाँ पे अगर आपको कुछ भी करना है जहाँ पे आपको फास्ट इंटरनेट की जरूरत पड़ती है वहाँ पे ये यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अब इसे मैं शट डाउन कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं शट डाउन कर दे रहा हूँ, यहाँ पे सारा डिटेल आएगा। यहाँ पे जो स्टार्ट है ऑलरेडी, यहाँ पे स्टार्ट है मेरा सर्वर, तो यहाँ से मैं स्टॉप कर दूंगा। यहाँ पे देखिए कितना यूज हो रहा है, सारा डिटेल यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आके यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा। जैसे ही मैं ये स्टॉप करूँगा ये सर्वर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। देखिए कैसे बंद होता है, मैं यहाँ पे साइड में रखता हूँ और यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, स्टॉप यस। और देखिए ये सर्वर शट डाउन हो जाएगा, ये शट डाउन हो गया। तो ऐसे ही करना है, जब आपको यूज में ना हो तो आप इसे बिना मतलब का यूज मत कीजिए, और बिना मतलब का डाउनलोड मत कीजिए, और बार बार ये आप स्पीड टेस्ट भी मत कीजिए क्योंकि स्पीड टेस्ट करने में भी आपका इंटरनेट यूज करता है और आपका MB यूज करता है। तो आपका जो यहाँ पे यहाँ पे ट्रायल के लिए आपको मिला है ये 13,300 का क्रेडिट मिला है, तो इसे आप धीरे धीरे बचा के चलिए ताकि आप लंबे समय तक इसका यूज कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको, आशा करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको आगे और अच्छे अच्छे टेक्निक्स आपको शेयर कर सके। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।